अब जरा खंडवा के किसान को सुनिए, जो कर्ज माफी की लिस्ट में आ गए तो वो बच गए, लेकिन जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ उन्हें आज कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पे 50,000 का बैंक ऑफ इंडिया का कर्जा था, तो सरकार कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने बोला था कि हम 2,00,000 तक का कर्जा माफ़ करेंगे, पर मेरा अभी तक 50,000 कर्जा है वो नहीं हुआ। और जो मेरे पिताजी थे कड़वाजी पटेल, उनके पिताजी का नाम तुकाराम पटेल, उनका 40,000 रुपये माफ़ हुआ, कमलनाथ सरकार ने माफ़ किया। डिफाल्टर से क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये हुई कि मैं डिफाल्टर इस कारण हुआ कि सरकार ने बोला था कि मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा, तब हमारे को परेशानी ये हो रही है कि अभी जो सरकार है रेगुलर किसान है उनको यूरिया दे रही है, और जो डिफाल्टर किसान है इनको यूरिया नहीं मिल रहा है। 2,36,000 रुपये था, इसमें 2,00,000 का माफ़ होने का फॉर्म भी भरवाया था और प्रमाण पत्र भी आया है, परंतु हो नहीं पाया। इस सरकार गिरने के कारण दूसरे चरण में हम आते थे, हो नहीं पाए, इस वजह से आज तक हम बहुत किसान 20% से ऊपर डिफाल्टर है, जिनको आज बहुत समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। अच्छा, डिफाल्टर हुए हैं आप तो क्या समस्या हो रही है? इसमें जो हमको खाद मिलता था वो खाद मिल नहीं पा रहा है ना, आज खाद की सबसे बड़ी परेशानी है कि दिन भर लाइन में लगने के बाद भी किसान को खाद नहीं मिल रहा है। मेरा 1,09,087 रुपये कर्ज था जो कमलनाथ सरकार में माफ़ हुआ है। नहीं, किसानों के मुद्दे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, कर्ज माफ़ी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। वो कर्ज माफ़ी यदि सरकार कमलनाथ सरकार रहती तो कर्ज माफ जरूर होता आने वाले 5 सालों में। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में किसानों को एक साथ इस तरह की समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े समझाते हैं। दरअसल 17 दिसंबर 2018 से 10 मार्च 2020 तक प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस का दावा है कि इस दौरान प्रदेश के करीब 23 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए थे। बाकी बचे 22,81,000 किसान कर्ज माफी का इंतजार करते रहे। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से अब ये किसान बैंक और सोसाइटी की नजर में डिफॉल्टर हो गए हैं। डिफॉल्टर किसानों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सियासी दांव पेंच में फंसकर किसान कर्ज और उसके ब्याज में पिसता जा रहा है, लेकिन सियासतदान अपनी ही धुन में रमे हुए हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए फिर से किसान राग अलाप रहे हैं। मेरी एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया है कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। ये इन्होंने तो बहुत सारी घोषणाएं करी है। इन्होंने तो 2013 में घोषणा करी थी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो याद है जो हमने पहले कर्जा माफ की बात कही थी वो तो कही हुई बात है, वो तो हमारे पिछले वचन पत्र में है। हमारी सरकार चलती, हमने तो 27 का माफ कर दिया, उसका क्रियान्वयन किया, शुरुआत करी। बहरहाल चुनावी सीजन नजदीक है, लिहाजा हुक्मरानों को सबसे बड़े वोट बैंक किसानों की याद आना लाजमी है, लेकिन किसानों के मन में इस वक्त जो डर है, उनकी जो समस्याएं हैं, वो फिलहाल दूर होती नहीं दिख रही है। सीहोर से विपिन श्रीवास्तव के साथ टीकमगढ़ से मुकेश सिंह, आगर मालवा से मनीष मारू, नीमच से आकाश श्रीवास्तव, छतरपुर से रणधीर परमार, हरदा से कपिल शर्मा, मंदसौर से प्रीत शर्मा और खंडवा से इमरान खान, News 24.